वेलकम बैक। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो अपनी स्टेट की पुलिस को सिंघम स्टाइल में काम करता हुआ देखना चाहते हैं। इस पर पुलिस ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि सरकार नायक के अनिल कपूर स्टाइल में काम करे। वैसे बीजेपी राम राज्य तो ला नहीं पाई, तो अब रोहित शेट्टी राज्य लाने की सोच रहे। मैं इस खबर से काफी शॉक्ड हूँ और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए इस दुख के वक्त में दिल से सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूँ। हाँ, मतलब अब यहाँ पूरी मध्य प्रदेश पुलिस वैसे बिहेव करेगी तो यार सोचो क्या होगा। हाँ? लेकिन लास्ट थिंग जो आप अपनी लाइफ में चाहेंगे वो ये कि भोपाल में कोई पुलिस ऑफिसर आपको आता माझी सटक ली रे ऐसा बोले, या फिर स्कॉर्पियो कार्स को हवा में यू नो ऐसे उड़ते हुए देखे। खैर, आप चेन्नई में स्नोफॉल देख लोगे या फिर सलमान खान की फिल्म में स्क्रिप्ट, लेकिन पॉलिटिशियंस कौन सा ड्रग लेके इतनी बकचोदी करते हैं ये पता कभी नहीं चलेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस के एक पायलट ने पिछले दिनों एयरलाइन सेफ्टी रूल्स की मां की आंख करते हुए दिल्ली मुंबई फ्लाइट में एक लेडी को कॉकपिट में ट्रैवल कराया। ये तो पैम्पर करने की हद ही हो गई यार। सिद्धार्थ माल्या पायलट बन गया क्या? इसे ये बात भी पता चली कि कॉकपिट में औरत होने से किंगफिशर फ्लाइट्स उड़ती हैं। हाँ, मतलब बेवजह माल्या जो है वो सब्सिडी का ढोलक बजा रहे। खैर, वैसे इसमें नया क्या है? पहले भी किंगफिशर में लोग इसीलिए ट्रैवल करते थे कि याना गुप्ता का इंस्ट्रक्शन वीडियो देख सके। आई मीन शी इज द ओनली इंस्ट्रक्टर विदाउट पैंटीज, राइट? बट बेवजह इतना बवाल उखाड़ा जा रहा है यार। एयरलाइन ऐसे ही लॉस में है, अब एक्स्ट्रा पैसेंजर बिठाकर थोड़ा कमा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है यार उसमें? माल्या मतलब माल्या जितने कर्जे में डूबे उन्हें तो मतलब ये परमिशन दे देनी चाहिए कि जाओ विजय प्लेन की छत पर भी सीट लगा। क्लाउड सीडिंग के बारे में सुना था, ये क्लाउड सीटिंग के बारे में यू नो लोग जान जाएंगे। लेकिन अगर आप परेशान हो रहे हो अपनी जान को लेकर तो बता दूं, इंडिया की सेफेस्ट एयरलाइन हमारी एयर इंडिया ही है। कैसे? क्योंकि साल में 11 महीने उसके पायलट स्ट्राइक पर रहते हैं, तो नो फ्लाइंग नो क्रैशिंग सेफ। ये सुनिए, ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की पिछले दिनों लास वेगास में पार्टी करते हुए फोटोज पब्लिश हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्टी करना अलाउड नहीं है। हाँ, छोटे शहर के जो मूर्ख दर्शक हैं उनको बता दूं कि लास वेगास एक तरह से गोवा ही है, जहां लोग इतना पीते हैं कि उनके बाद उन्हें पता नहीं रहता कि आपका बाप कौन है और दादा कौन है। खैर, प्रिंस हैरी की इन फोटोज के कारण ब्रिटिश रॉयल फैमिली बहुत एम्बेरस हो गई। इस घटना से पहले पूरा ब्रिटेन इतना एम्बेरस तब हुआ था जब अक्षय कुमार ने पटियाला हाउस फिल्म में उनकी तरफ से यू नो क्रिकेट खेला था। इन फोटो से ये भी पक्का हो गया कि कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास ही है। इन फोटोज में प्रिंस हैरी बिना कपड़ों में थे और अपना पूरा का पूरा कोहिनूर हीरा दिखा रहे थे। हैरी के फोटोज को ओलंपिक से ज्यादा व्यूज मिले और अब ये भी पता लग गया है कि उनके अंदर ओलंपिक टॉर्च से भी ज्यादा आग। लेकिन हमारे इंडिया की रॉयल फैमिली कितनी अच्छी है। नहीं, आई मीन राहुल बाबा पार्टी करते भी हैं तो कपड़ों में, और वो भी उत्तर प्रदेश के किसी दलित के घर में। न्यूडिटी और अश्लीलता का सवाल ही नहीं उठता। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बात है। अब अफ्रीका में कोई बच्चा अपना कपड़ा यू नो उतारता ही नहीं, क्योंकि पता नहीं कब यूनिसेफ वाले आए और उनकी फोटो खींच के पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि उनके नाम पे फंड्स इकट्ठा करके गुल हो जाए। ऑलराइट, नाउ दिस इज व्हाई आई लव बॉलीवुड। शिरीष कुंदर ने रावण पे अपने ट्विटर कमेंट्स के लिए शाहरुख खान से माफी मांगी। जी, उस ट्वीट के पूरे एक साल बाद और थप्पड़ खाने के 6 महीने बाद शिरीष ने माफी मांगी। आई थिंक जोकर देखकर शिरीष को समझ आया होगा कि एसआरके के दिल पे क्या गुजरी रावण के बाद, और उन्होंने माफी मांगी। लेकिन शिरीष कुंदर ने अभी तक देश से तीसमार खान और अब जोकर के लिए माफी नहीं मांगी। वैसे मुझे लगता है जोकर रावण और तीसमार खान का लव चाइल्ड।
ना, या सिविलाइज्ड शब्दों में कहें तो बास्टर्ड। गे सेक्स मे नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, पर जोकर तो पैदा कर ही सकता। हमारे देश की सबसे खतरनाक मिसाइल और शर्लिन चोपड़ा की फाइनल डेस्टिनेशन, सनी लियोनी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि जब उसने पहली बार पॉर्न देखा तो वो काफी सरप्राइज्ड हो गई थी और उनके मुंह से निकला था, ओह माय गॉड व्हाट इज दिस। इसके बाद उनकी लाइफ बदल गई और अब ओह माय गॉड के बाद यू नो उनके मुंह से बाद में निकलता है। No, I'm not going to explain this any further. If you have not seen porn, spelling is P-O-R-N and G-O-O-G-L-E is Google. So go and figure it out for yourself. वैसे मैंने हाल ही में जिस्म 2 देखी और पूरी फिल्म में सनी लियोनी को कपड़ों में देखकर मेरे मुंह से भी निकला, ओह माय गॉड क्या चूतिया बनाया यार मैंने। जब से भट्ट साहब डायरेक्शन से रिटायर हुए हैं, भट्ट कैंप हैज बिकम लाइक अ बूट कैंप, हाँ, फॉर पॉर्न फिल्म्स। पॉर्न फिल्म्स फॉर बिगिनर्स, जिस्म से कलयुग से जिस्म 2। और इसी रूमानी ख्याल पर मैं पेल देता हूं एक अदना सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, लौट कर आऊंगा, तब तक म्यूजिक सुनिए।